गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आयुषी का रियल फेयरवेल पार्टी मेकअप लुक। डे का मेकअप है तो अभी समर सीजन भी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में आपको इस तरीके से मेकअप करना रहेगा जिससे अच्छे से सेटल रहे, कितना भी आपको पसीना आए बट वो पैची ना लगे। सीटीएम मैं इनके फेस पे पहले ही कर ली हूँ इसलिए वो चीज़ मैं स्किप कर दी हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई करी हूँ प्राइमर, तो कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर अच्छे से लगाएंगे इससे आपकी स्किन अच्छे से सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। इसके ऊपर हम जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वो डायरेक्ट आपके स्किन में नहीं जाएगी, है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आईब्रो फिल कर लेंगे। तो ब्लैक और डार्क ब्राउन दो कलर में मिक्स करके आईब्रो फिल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ब्लैक ब्लैक आईब्रो रहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए मैं दो शेड को मिक्स करके इस तरीके से आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। साथ ही साथ कोम करके इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो भी हट जाएगा और साथ ही साथ वो मर्जिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब आई बेस बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर। ये मीडियम शेड है। दिन में आप जब भी आई बेस बनाएं, मेकअप करें, तो हमेशा मीडियम शेड कंसीलर ही यूज करेंगे, बहुत लाइट कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल वगैरह हो तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनको कोई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है और ये जो शेड मैं यूज करी हूँ ये दोनों चीजों को अच्छे से हाइड कर देगा। उसके बाद में अच्छे से इसको जो है आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स करेंगे, बट ब्यूटी ब्लेंडर ज्यादा बेटर होगा यूज करना, ये अच्छे से इसको सेट कर देगा। तो देखिए जो कलर है वो एकदम एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, साथ ही साथ इसको हम सेट भी कर लेंगे, क्योंकि आईज के ऊपर और नीचे दो जगह पे बहुत जल्दी क्रीज लाइन आता है। तो जैसे ही आप आई बेस बनाएंगे उसे अच्छे से सेट भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर यूज की हूँ, दोनों आईज पे एक ही जैसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे क्रीज लाइन नहीं आएगी। इसके ऊपर हम शैडो अप्लाई करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे से सेटल आपको दिखेगा। ऊपर नीचे दोनों जगह अच्छे से आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो फेयरवेल पार्टी जब भी हो तो जो मेकअप अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। और कोई मैं इसमें फेक लैसेस वगैरह आज कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल लाइट एंड नेचुरल मेकअप आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद में ब्राउन कलर में पिक की हूँ और यहाँ पे मेरा हाथ आ गया है तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से सी आकार में आपको क्रीज लाइन को डिफाइन करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर लेना है और क्रीज लाइन में आपको सी, जैसे सी होता है ना, उस तरीके से आपको शैडो अप्लाई करना है, ठीक है। साथ ही साथ आउटर वी में भी करेंगे। इस आंख में नहीं दिख रहा बट इस वाले में मैं करूंगी तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो इनके साथ साथ मैं इनकी फ्रेंड को भी रेडी करने वाली हूँ, तो उनका तो मेकअप लुक मैं नहीं शेयर करूंगी बट ऐसे ही सेम उनका भी मैं की हूँ, फाइनल जो लुक है वो जरूर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छे से जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ और उसको लाइट से थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। डे मेकअप है तो बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैडो भी अगर आप अप्लाई करें तो बहुत ही लाइट रहना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं तो आप दो सेट मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि आउटर वी में मैं यहाँ पे देख सकते हो ब्राउन कलर यूज़ की हूँ, जो डार्क ब्राउन होता है हल्का सा ब्लैकिश टोन में रहता है उसको आप यूज़ करेंगे इस तरीके से। और जब भी शैडो अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ आईब्रो के पास में स्किन को थोड़ा सा आप ऐसा स्ट्रेच करके रखेंगे तो आपको अच्छे से ब्लेंड करते बनेगा और शेप भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं आउटर वी में मैं डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और इनका जो साड़ी है स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख ही लिया है, एकदम रेड कलर की है। तो ये जो साड़ी है नेट की साड़ी है और सीरियसली बहुत अच्छी लगती है, अगर इसको सामने से देखोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो साड़ी के हिसाब से ही मैं इनका मेकअप करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए आउटर वी को मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए दोनों तरफ अच्छे से कर लेना, जो बीच वाला पार्ट्स बचेगा उसमें मैं फिल करने वाली हूँ रेड कलर। तो रेड कलर के लिए दूसरी ब्रश मैं यूज करने वाली हूँ, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से रेड कलर यहाँ पे अप्लाई करूंगी। तो जितना भी बीच का सेक्शन जितना पार्ट्स बचा है उसी में, ये देखिए तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा करके शैडो लेना है
और बहुत फैलाते हुए नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के से लगाएंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे। शैडो आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही ज़्यादा उसका कलर आपको निखर के पता चलता है और वो पैची नहीं दिखता। अगर आप उसको थोप थोप के ऐसे ही लगा देंगे और छोड़ देंगे बिना ब्लेंड के तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, आप चाहे कितना भी कॉस्टली आई शैडो पैलेट क्यों ना यूज़ करें। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ और वीडियो में साइड में आप देख पा रहे हैं उनकी फ्रेंड भी बैठी हुई जो कि अभी रेडी नहीं हुई और दोनों को एक साथ ही रेडी होके जाना था तो बहुत जल्दी जल्दी में ये सारा प्रोसेस मुझे करना पड़ा। ये देखिए ठीक है, सेम वैसे इधर का भी कर लेंगे। मैं आपको बहुत ही, अगर आपके जो ड्रेस का कलर है कोई दूसरा है तो उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। डे में क्या बहुत कलरफुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का ब्राउन या थोड़े से नेचुरल शेड जो होते हैं ना वो यूज़ करेंगे, चाहे कोई भी कलर को आपके ड्रेस का कलर हो तो उसमें वो अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ और बहुत फैला के नहीं लगाना है। ये देखिए ठीक है, तो डे में हमेशा थोड़ा सा नेचुरल टाइप का जो मेकअप रहता है ना वो अच्छा लगता है। और जो शैडो पैलेट है मैं दो यूज़ कर रही हूँ, एक मेकअप रेवोल्यूशन की पेट्रिसिया ब्राइट है और एक दूसरी है जो कि एक्जैक्ट मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पैलेट आपको दिखाई जिससे मैं इनका आईब्रो फिल की हूँ वही वाली पैलेट भी यूज़ करी। तो दोनों तरफ का देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। अब इसको मैं और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो सिल्वर कलर है ना उसको मैं आई लिड पे अप्लाई करूंगी। कैसे करना होगा वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो एक इस तरीके से जो पफी ब्रश होती है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ब्रश, उसकी हेल्प से जो क्रीज लाइन है वहाँ पे आप पूरे शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि वो अलग अलग पता ना चले। तो दोनों आईज पे अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से जब भी आई पे मेकअप करेंगे तो आप आईब्रो को इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करके जरूर रखेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि जब भी फेयरवेल पार्टी हो या किसी भी फंक्शन में आपको जाना हो, डे में मेकअप करना है तो आप इस तरीके से आई मेकअप कर सकते हो। देखिए जो आउटर कॉर्नर है वहां पे आपको हल्का सा डार्क दिख रहा होगा और जो इनर कॉर्नर है या बीच में वहां पे आपको लाइट। उसके बाद में मैं यहाँ पे सिल्वर कलर को अपनी फिंगर में ली हूँ और हल्का हल्का सा आई बॉल पे इस तरीके से मैं लगा दे रही हूँ। तो सिल्वर कलर अगर आप अप्लाई करते हो ना ऐसा आई बॉल के ऊपर में तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। बस ये थोड़ी सी शाइन बस प्रोवाइड करेगा, बाकी ऐसा कोई पार्टिकल्स इसके चंके टाइप से नहीं कि एकदम अलग सा दिखे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट आई मेकअप हुआ है जो कि डे के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। लास्ट में इस तरीके से फिर से एक बार अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर देंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करी हूँ मैक NC30। ठीक है, अगर आप लोग अपने पार्लर में फाउंडेशन रखना चाहते हो सभी शेड के हिसाब से तो आप तीन जरूर रखें, जैसे कि आप थोड़ा सा एक लाइट, एक मीडियम और एक डार्क, ये तीन शेड अगर आप रख लेते हैं ना तो किसी भी टाइप के स्किन टोन अगर आपके पास में आता है मेकअप कराने के लिए तो आप उनको मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे से मेकअप कर पाएंगे। फाउंडेशन की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, डॉट डॉट करके अच्छे से लगाएंगे पूरे फेस पे। और अभी जो है आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ज़्यादा अच्छे से करें। ब्यूटी ब्लेंडर को आप क्या करें, पानी में अच्छे से डिप कर दें और उसका जितना भी वाटर है उसको निचोड़ के पूरा बाहर कर दें। उसके बाद में कोई भी कॉटन का कपड़ा लें और एक बार उसको अच्छे से उसमें डैप कर दें ताकि उसमें थोड़ा भी पानी ना रहे। अगर पानी रहेगा और उसके बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन में आप डैप डैप करना स्टार्ट करोगे ना तो उससे भी आपका जो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर आपका अच्छे से गीला तो रहे लेकिन पानी बिल्कुल भी ना रहे उसमें। उसको यहाँ पे जो फाउंडेशन है देखिए मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक पे जो है ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का हेल्प ले रही हूँ क्योंकि ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। फाउंडेशन को अगर आप ब्रश से मान लीजिए कि करते भी हो ब्लेंड तो उसके बाद में आप जो है लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर जरूर यूज़ करेंगे। उससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो ब्रश का कोई भी निशान नहीं दिखेगा, दूसरी बात यह है कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सोक कर लेता है तो इससे आपके मेकअप में बहुत अच्छी फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा वो स्टे भी करेगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो चुका है और जितना ज़्यादा अच्छा ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ना कि ब्लैक होगा। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करोगे तभी मेकअप जो है ब्लैक हो जाता है।
अब मैं मेकअप को अच्छे से सेट कर रही हूँ तो क्रीज लाइन सबसे ज्यादा आईज के नीचे में आती है, आईज के नीचे में, नोज के पास में और ये लिप्स के पास में काफी ज्यादा ऑयल रिड्यूस होता है, तो वहां वहां पे बहुत जल्दी क्रीज लाइन आने के चांसेस होते हैं, तो उसको आप अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से आप इस तरीके से कर देंगे और उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको आप ब्रश की हेल्प से हटा देंगे। देखिए विंटर टाइम में जब हम मेकअप करते हैं तो इतना ज्यादा हमें फेस में सेट करने की जरूरत नहीं लगती, कोई भी कॉम्पैक्ट या ट्रांसलूसन पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समर सीजन में आप जब भी मेकअप करेंगे तो पूरे फेस को अच्छे से आप जो है इस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि मेकअप का सेट होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अच्छे से सेट होगा, कितनी भी स्वेटिंग हो आपके फेस में, वो आपका जो मेकअप है बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो ये काम आपको अच्छे से कर लेना है। तो मौसम के हिसाब से हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट वही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो हमें चेंज करना होता है, क्योंकि अभी तो जितना भी प्रोडक्ट है सबका सब वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग ही होता है जितना भी यूज करते हैं हम, बस थोड़े से हमें चेंजेस करने होते हैं सीजन के हिसाब से। तो यहाँ पे डन हो चुका है, उसके बाद में हमें अप्लाई करना होगा जो है लाइनर। तो पहले क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो फेस पे इस तरीके से ब्रश की हेल्प से आप उसे हटा देंगे, ठीक है, वरना अगर आप मेकअप फिक्सर अगर फेस पे डाल देंगे तो वो भी उसी में जाके ऐसा जम जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरे फेस को अच्छे से आपको फिनिशिंग दे देनी है पहले, उसके बाद ही हम मेकअप फिक्सर यूज करेंगे, ठीक है। तो मेकअप फिक्सर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है स्विस ड्यूटी का, जो कि आप लोगों ने मुझे बहुत सी मेकअप वीडियो में यूज करते हुए देखा है। तो हल्का हल्का सा फेस पे डालूंगी और आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर में भी डाल के डायरेक्ट फेस को हल्का हल्का सा डैब डैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था और जल्दी जल्दी से इन लोगों को रेडी भी करना था। तो देखिए मैं मेकअप फिक्सर इनके फेस पे अप्लाई कर दी हूँ और हल्का हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर में भी डाल के इसको डैप डैप कर दे रही हूँ। इसके बाद में अगर आप चाहें तो हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं हाइलाइटर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर नाइट पार्टी मेकअप होता तो मैं हाइलाइटर जरूर यूज करती, बट यहाँ पे हाइलाइटर मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि फेस जितना ज्यादा नेचुरल एंड ऐसा सॉफ्ट एंड ग्लोई दिखेगा उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे पूरे फेस को मैं मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद में सेट कर दे रही हूँ और उसके बाद में लास्ट में मैं थोड़ा थोड़ा सा से ब्लश अप्लाई करूंगी। तो ब्लश के लिए मैं शुगर का 02 शेड नंबर यूज कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा यूज करूंगी, ये चीज आप अपनी पसंद के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से डे मेकअप है तो आप बहुत कम क्वांटिटी यूज करेंगे, बस जो चिक है वो हल्का सा पिंकिस्ट दिखना चाहिए, ग्लो प्रोवाइड करे, अदरवाइज बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर दे रही हूँ, ये देखिए, और अच्छे से ब्रश की हेल्प से इसको मिक्स भी कर दूंगी, ये देखिए। तो जब भी आप ब्रॉन्जिंग या फिर ऐसा ब्लश अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए अप्लाई करोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये डन हो चुका है और हाँ, इसके बाद में लाइनर और मस्कारा अप्लाई करना था, तो सॉरी वो क्लिप जो है स्किप हो गई है, मुझे लगा कैमरा ऑन है बट कैमरा ऑफ हो गया था इस वजह से, अदरवाइज मैंने जो है कोई फेक लेसेस अप्लाई नहीं की हुई है, सिर्फ लाइनर, वो भी बहुत ज़्यादा विंग वाला नहीं, स्मॉल, और साथ साथ जो है हल्का सा इनकी जो लेसेस है उसको मैंने जो है अच्छे से कर्ल करके मस्कारा अप्लाई किया हुआ है। तो कैसा लगा इनका फाइनल लुक मुझे कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी फेयरवेल पार्टी हो या कोई भी फंक्शन पार्टी हो उसमें इस तरीके से सॉफ्ट एंड ग्लोई मेकअप कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय, थैंक यू, आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय गाइज़।